गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन फॉर एडोलेसेंट्स। न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स, जो टीनेजर है, एडोलेसेंट्स है, उनके लिए किस टाइप का न्यूट्रिशन होना चाहिए और पर्सनल हाइजीन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। एडोलेसेंस इज ए स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एडोलेसेंस स्टेज है, इसमें जो बॉडी की ग्रोथ है वो कैसी होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, मीनिंग फास्ट ग्रोथ होती है। और क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होता है, रैपिड होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बॉडी की जो ग्रोथ है वो रैपिड हो रही है, डेवलपमेंट रैपिड हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो उनके लिए उसी हिसाब से क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसी टाइप की क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो क्या करा सके, बॉडी की फास्ट ग्रोथ करा सके। हिंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। और इसलिए एडोलेसेंट को क्या चाहिए कि उसको केयरफुली डाइट को लेके प्लान करना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट ए बैलेंस डाइट, और ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो कि बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सारी की क्या हो, क्वांटिटी राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो। रिकॉल दैट ए बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड, जो तुम्हारा फूड है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन। ये जो न्यूट्रिशन है ये क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए और विटामिन प्रॉपर वे में प्रेजेंट होना चाहिए इन रेस्क्यूसाइट प्रोपोर्शंस। ओवर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, जिसमें दाल किसको बोलते हैं, पल्सेज को, जिसमें मूंग हो गया, मोठ हो गया, सोयाबीन हो गई एंड वेजिटेबल्स इज ए बैलेंस्ड मील। और जो वेजिटेबल्स है वो भी इंक्लूड करते हैं साथ में, तो ये क्या है, बैलेंस्ड मील है। इंडिया में कौन कौन से फूड है, रोटी, रोटी के साथ में क्या, राइस और पल्सेज एंड वेजिटेबल्स। मिल्क इज ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, और जो मिल्क है इसमें जो बैलेंस्ड डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये होना चाहिए, तो मिल्क में ये सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है ये क्या होते हैं, वर्जेंट होते हैं। तो मिल्क अपने आप में ये क्या है, बैलेंस फूड है। फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, और जो फ्रूट्स है ये भी क्या करवाते हैं, हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत से न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड, और जो इन्फेंट है, छोटे जो चाइल्ड है जिनका भी बॉर्न हुआ है, तो उनके लिए जो मदर्स मिल्क है, जो खुद की मम्मी का जो मिल्क है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें सारे सारे जो न्यूट्रिशन है वो प्रेजेंट होते हैं मिल्क के लिए, और जो एंटीबॉडी है वो भी उसमें प्रेजेंट होती है, जो एंटीबॉडी प्रोवाइड कराती है इन्फेंट को। आयरन एलिमेंट है बिल्ड्स ब्लड, जो आयरन एलिमेंट है ये बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है एंड आयरन रिच, तो इसलिए हमें आयरन रिच फूड खाने चाहिए ब्लड को इनक्रीज करने के लिए हमारी बॉडी में। तो आयरन रिच फूड कौन कौन से है, सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जो लीफी वेजिटेबल्स है उनमें आयरन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जगरी और मीट, सीटर्स जो लेमन, ऑरेंज ये है, और इंडियन गोजबेरी जो अमला है, आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स। तो ये एडोलेसेंट्स के लिए क्या रहते हैं, बेस्ट रहते हैं। अब हम बात करें पर्सनल हाइजीन, जो खुद है एडोलेसेंट वो किस टाइप से रह रहा है, साफ सफाई का ध्यान ज़्यादा रख रहा है या नहीं रख रहा है। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे, यानी एवरीवन को क्या चाहिए, कम से कम एक बार तो बाथ करना ही चाहिए, एक बार तो स्नान करना ही चाहिए कम से कम एक दिन में,
दो बार तो बाद की बात है, पर एक बार तो कम से कम होना ही चाहिए बात। इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर, और जो एडोलेसेंट्स है, टीनेजर है, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। क्यों हो जाता है नेसेसरी, इसका भी रीज़न है, बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, जो उनकी स्वीट ग्लैंड्स है, सीबीसीएस ग्लैंड्स है, उनकी एक्टिविटी एडोलेसेंट स्टेज में क्या होती है, ज़्यादा होती है। समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली, और स्वीट ग्लैंड्स और सीबीसीएस ग्लैंड एक्टिवेट ज़्यादा होने के कारण जो उनकी बॉडी है उनमें से क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, तो उनको बात करना, स्नान करना और ज़्यादा क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे, और जो बॉडी की जितनी भी पार्ट्स है वो क्या होनी चाहिए, एवरी डे वॉश्ड होनी चाहिए, क्लीन्ड होनी चाहिए। इफ़ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन, देयर आर चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जो एडोलेसेंट स्टेज है इसमें यदि वो क्लीनलीनेस का ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में, तो उनके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ज़्यादा क्या रहता है, चांस रहता है एडोलेसेंस स्टेज में। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, और गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम क्लीनलीनेस को लेके ज़्यादा अवार रहना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ट्रैक है, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आने वाला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होने वाला है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ऑनसेट है, ऑनसेट टाइम है, उस टाइम क्लीनलीनेस ज़्यादा रखनी चाहिए। थैंक यू।